सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अभी तक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को माना जा रहा था, मगर पंजाब पुलिस ने ताबड़तोड़ छानबीन करते हुए मूसेवाला हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जी हां, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और कोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई है। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश सचिन बिश्नोई ने ही रची थी। सचिन ने ही शार्प शूटर्स हायर किए थे, उसी ने एक टीवी चैनल को कॉल करके हत्या की बात कबूली थी और इस दौरान सचिन ने यहां तक कह डाला कि मैंने खुद मूसेवाला को गोलियां मारी थी। मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए सचिन बिश्नोई ने अलग अलग राज्यों से 8 शार्प शूटर्स हायर किए थे। पंजाब के तरन तारण से जागरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू था। हरियाणा के सोनीपत से प्रियव्रत फौजी और मनप्रीत भोलू था। महाराष्ट्र के पुणे से संतोष यादव और सौरभ महाकाल था। राजस्थान के सीकर से सुभाष बानुड़ा और पंजाब के भटिंडा से हर कमल सिंह रानू शामिल था। ये सभी शार्प शूटर्स लॉरेंस गैंग के हैं और पंजाब पुलिस को शक है कि इन्हीं शार्प शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूना था। इस हत्याकांड के 90 दिन पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने केकड़ा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि सिरसा के कालान वाली का रहने वाला है। पुलिस की माने तो वो अपने एक दोस्त के साथ फैन बनकर मूसेवाला के घर गया था। यहाँ पर केकड़ा ने चाय पी और बाद में मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली। केकड़ा ने ही हत्यारों को बताया था कि मूसेवाला थार जीप में जा रहे हैं और उनके साथ ना तो गैंगमैन है और ना ही बुलेट प्रूफ फॉर्चुनर गाड़ी है। उधर केकड़ा ने जब सारी जानकारी हत्यारों को दे दी तो रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने मौका मिलते ही मूसेवालों को मौत के नींद सुला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।